नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। पिपलोन ग्राम पंचायत में आम जन समस्या को लेकर सरपंच वेद प्रकाश खटीक ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन लिख उपखंड अधिकारी को सौंप कर जल्द निराकरण कराने की मांग की। इस बीच सरपंच खटीक ने पंचायत क्षेत्र की समस्या को लेकर विकास अधिकारी संजय मोदी व तहसीलदार इंद्रजीत सिंह चौहान को जिला कलेक्टर ने नाम ज्ञापन की प्रतिलिपि कॉपी देकर अवगत कराया। वही पंचायत क्षेत्र में हो रही समस्या को लेकर सरपंच खटीक ने कहा कि ग्राम पंचायत के समस्त किसान यूरिया के लिए दर दर भटक रहे हैं, कालाबाजारी का शिकार हो रहे हैं। वही डंग का बड़ा गोदाम चौरी में चंबल योजना अंतर्गत हर घर नल कनेक्शन दिए गए हैं, परंतु नलों से पानी उच्च मात्रा में सप्लाई नहीं हो रहा है। विभाग को कई बार भी अवगत करा दिया गया है। पंचायत में 5 मासिक कनिष्ठ लिपिक LDC के पद को मांग की। साथ ही सरपंच खटीक ने डांग का बड़ा नया गणेशपुरा भोजपुरा को राजस्व ग्राम बनाने व DMFT फंड से सड़क निर्माण की मांग को। साथ ही सुभाष नगर में 30% ऐसी समुदाय जनता जानकारी के अभाव में पंचायत की चरागाह भूमि पर बस गई, जिसका नियमानुसार नियमन किया जाए। वही काकरिया खेड़ा में जल संकट से छुटकारा मिले। पिपलोन से सुभाष नगर के मध्य में PWD के अंतर्गत आती है, सड़क जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और जो अभी तक गारंटी पीरियड में है। ग्राम पंचायत पिपलोन की सबसे बड़ी समस्या मद्देनजर रखते हुए सरपंच खटीक ने जिला कलेक्टर महोदय से गांव के मध्य से होकर गुजर रहे SDMR 7 रोड में दिन में कई बार जाम लग जाता है, जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है। साथ ही दुर्घटनाओं की संभावना रोज बनी रहती है। वही वाहन चालक दुर्घटनाओं के शिकार भी हो चुके हैं। प्रशासन को कई बार अवगत कराया जा चुका है, परंतु अभी तक बाईपास निर्माण हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया। लगभग 60% गांव सड़क किनारे बसा है। इन सबको अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्या शीघ्र समाधान निकालने की मांग की। ग्राम पंचायत पिपलोन के युवा सरपंच प्रकाश खटीक ने पंचायत क्षेत्र की कई समस्याओं से उच्च अधिकारियों तक बार बार अवगत करवाते आ रहे हैं, फिर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इस बीच सरपंच खटीक ने बुधवार को जिला कलेक्टर शिव प्रकाश नकाते के नाम पर ज्ञापन लेकर उपखंड अधिकारी जहाजपुर को सौंप कर जल्दी समस्या का समाधान करने की मांग की। वही विकास अधिकारी व तहसीलदार को ज्ञापन की प्रतिलिपि देकर अवगत कराया। सरपंच खटीक ने कहा कि अगर समय पर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जोर आंदोलन किया जाएगा। ग्राम पिपलोन से होकर गुजर रहे MDR 7 रोड, जिसमें आए दिन जाम लगता है, दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। बाईपास निकालने के लिए हमने 26 जनवरी 2020 से लेकर अब तक 8 बार प्रशासन के उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया, लेकिन अभी तक इसका न तो सर्वे करवाया गया न इसके प्रति प्रशासन ने गंभीरता दिखाई गई, और पानी की सुविधाओं से वंचित है, इनके बारे में भी प्रशासन ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। ऐसी कई समस्याएं हैं ग्राम पंचायत की, जिनको बार बार अवगत करवाने के बाद भी आम जन की समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर हम शीघ्र ही भविष्य में पुरजोर आंदोलन खड़ा करेंगे। वेद प्रकाश खटीक, पिपलोन सरपंच, ग्राम पंचायत पिपलोन।